हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। मैं मनवर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल में। तो चलिए आज के नए पार्ट की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड संगठन संस्थान व संग्रहालय के बारे में। यह है इस लेसन का पार्ट टू जो कि MCQ सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, नैनीताल में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज की स्थापना नैनीताल में की गई है। सन 1955 में नैनीताल एवं सन 1961 में अपने वर्तमान स्थान मनोरा पीक में ले जाया गया था इस संस्थान को, और 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यह राजकीय वेधशाला के रूप में जाना जाने लगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज हम सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ये भी नैनीताल में स्थित है। वर्ष 2004 में माननीय श्री न्यायमूर्ति VS सिरपुरकर उत्तरांचल उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी की स्थापना में गहरी रुचि ली। राज्य के लिए न्यायिक अकादमी की अवधारणा की गई थी और इसे उत्तराखंड न्यायिक और कानूनी अकादमी यानी उसाला के रूप में नामित किया गया था। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में की गई है और 14 नवंबर सन 1965 को स्थापित किया गया था यह संस्थान, तथा इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि पहाड़ों के शौकीन थे, उनके नाम पर किया गया था। वह भारत के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसने एशिया भर में अपनी पहचान बनाई हुई है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, टिहरी में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना टिहरी में की जा रही है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, इसमें नरेंद्र नगर में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, देहरादून में राज्य की जो फुटबॉल अकादमी है वो देहरादून में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान यानी CMAP की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है, नैनीताल में टरार अनुसंधान केंद्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, इसमें भी देहरादून में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, इसमें भी मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, श्री AP नवानी जी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, वाड़िया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, इसमें देहरादून में वाड़िया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पार्ट वन में भी आया था। होपफुली अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा।
अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? वो है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, देहरादून में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, अंजड़ी सैंड में। अंजड़ी सैंड में यानी जो कि टिहरी गढ़वाल में है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से संस्थान देहरादून में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय रक्षा अकादमी और ऑप्शन सी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी। ये सभी संस्थान देहरादून में स्थित हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो वो है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी जिसको IIM कहते हैं और वो है आपका काशीपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा, खुटानी में। ओके, होपफुली आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। तो दोस्तों, आज की एक शॉर्ट वीडियो थी, यानी इसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।